हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल लेटेस्ट न्यूज़ में। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर यह है कि यूपी पुलिस भर्ती सन 2015-16 जो हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है दोस्तों, अजय मिश्रा के द्वारा लिखित रिटर्न रूप में आया हुआ पल पल की खबर है। हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ था कल, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, अब बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आपको पता ही है इस चैनल पर आप यूपी पुलिस भर्ती संबंधित पल पल की खबर पाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आज की बड़ी खबर क्या है। न्यायालय संख्या 38 प्रकरण WRIT ए संख्या 12497/2019 की याचिकाकर्ता सतीश कुमार यादव और प्रत्याशी उत्तर प्रदेश राज्य और याचिकाकर्ता के अन्य वकील हीरालाल यादव, सुनील कुमार परामदर्शिता प्रतिसाद के लिए CSC। माननीय अश्विनी कुमार मिश्र जी 8/19/2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए। कांस्टेबल के पद पर नियुक्त के लिए अपने दावे पर विचार न करने से संबंधित उनकी शिकायत के संबंध में एक ही याचिकाकर्ता द्वारा यह तीसरी रीट याचिका है। 2018 की पहली रीट याचिका नंबर 15555 को अधिकारियों को निर्देश देने के साथ निपटाया गया था। याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करें, दावा खारिज कर दिया गया था। इस आदेश को 2019 की रीट याचिका संख्या 232 में आत्मसात किया गया था, जिसका निस्तारण 21/2/2019 को किया गया था। अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के दावे को फिर से खारिज कर दिया है कि उसका OBC प्रमाण पत्र रोजगार के लिए है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार में रोजगार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस न्यायालय के पूर्ववर्ती स्थगन जो विशेष रूप से 2/2/2016 को जारी OBC प्रमाण पत्र पर ध्यान देता है पर निर्भर करता है। यह वह प्रमाण पत्र था जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में भी निर्भर था। सबमिशन यह है कि जो आदेश दिया गया है वह इस अदालत द्वारा पूर्व रीट याचिका में किए गए अवलोकना के दातों में है और मन के गैर आवेदन से ग्रस्त है। प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलील में पदार्थ है, इसलिए पुलिस भर्ती बोर्ड के अतिरिक्त सचिव को इस मामले की जांच करने और एक ही याचिकाकर्ता द्वारा दायर पूर्व रीट याचिका में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच करने और अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि आपको मैं पूरे खबर बताने वाला हूं क्या क्या हुआ था। 2/9/2019 को नए सिरे से प्रस्तुत करें। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तरदाताओं की ओर से एक की जाबाजी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दस्तावेज सत्यापन के समय याचिकाकर्ता ने अधिकारियों के सामने नहीं रखा था, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में जारी जाति प्रमाण पत्र था। उत्तर प्रदेश और वह जाति प्रमाण पत्र जिस पर भरोसा किया गया था केंद्र सरकार से संबंधित नौकरियों के संबंध में था वह। दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर यह है कि आप एक प्रतिवाद शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है और संबंधित प्राधिकारी के सक्षम भी प्रस्तुत किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस पहलू की अन्यथा न्यायालय द्वारा जांच की गई थी और याचिकाकर्ता ने अधिकारियों द्वारा न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से पहले सही प्रमाण पत्र नहीं दिया था। सबमिशन यह है कि पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पहले के स्टैंड का पुनर्निरीक्षण न केवल रिकॉर्ड के विपरीत है बल्कि प्रकृति के प्रति भी घृणास्पद है। तो दोस्तों, चौथी बड़ी खबर यह है कि अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने पहले 2018 की रीट याचिका संख्या 1,95,555 दायर की थी, जिसे 2/8/2018 को पारित आदेशों की अनुपालना से निपटाया गया था। आज दायर किया गया अनुपूरक हलफनामा। याचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायत के साथ इस अदालत में संपर्क किया है कि उन्होंने संबंधित श्रेणी में कटाव के ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और फिर भी उन्हें पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए नहीं चुना गया। तो दोस्तों, सबसे बुरी खबर यह थी आप लोगों के लिए, जो बच्चे ज़्यादा नंबर पाएँ तब पर भी नहीं चुने गए। 29 दिसंबर 2015 को जारी किए गए विज्ञापन के साथ आज ऑनलाइन आवेदन पत्र संलग्न किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से OBC गैर क्रीमी लेयर के रूप में अपनी स्थिति का उल्लेख किया है और OBC प्रमाण पत्र भी रिकॉर्ड पर लगाया है। तो दो याचिकाकर्ताओं को 10/2/2016 और 2/2/2016 को OBC प्रमाण पत्र पर जारी किए गए हैं, जो अधिसूचना में भर्ती के अनुसार है। साथ ही यह गौरव शर्मा बना इस न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में UP राज्य और अन्य FB 2017 ADJ 494 में सूचना दी गई।
कानून के अनुसार याचिकाकर्ताओं का दावा है कि याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार किया जाएगा। तथ्यों और परिस्थितियों में यह रीट याचिकाकर्ता याचिका प्रतिवादी NOS 2 और 3 पर कांस्टेबल के पद पर नियुक्त के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए एक निर्देश के साथ निपटाती है। अंतिम परीक्षा में उनके अंकों को देखते हुए चूंकि याचिकाकर्ताओं ने अपेक्षित अवधि के अपने OBC प्रमाण पत्र का उत्पादन 1/4/2015 से 17/2/2016 के बीच किया है, उन्हें उनके प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन OBC उम्मीदवार के रूप में माना जाता है और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से 2 महीने के भीतर आवश्यक विचार किया जाएगा, तदनुसार सभी परिणामी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर यह है कि अधिकारियों ने इसके बाद याचिकाकर्ता के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसने अपने जांच प्रमाण पत्र का उत्पादन नहीं किया था। दोस्तों, जो कि बच्चों ने दिया भी था, उसके बावजूद भी वो याचिकाकर्ताओं को नहीं किया गया, जिसका उल्लेख दस्तावेजों के सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया था। तब इस आदेश को 2019 की सेवा एकल संख्या 2234 में चुनौती दी गई थी और याचिका का निस्तारण 21/2/2019 को दिए गए आदेशों के आधार पर किया गया था। कांस्टेबल के पद पर नियुक्त के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया गया। OBC प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार के साथ रोजगार के लिए जारी नहीं किए गए हैं और केवल केंद्र सरकार के लिए जारी किया गया है। दोस्तों, जो जांच प्रमाण पत्र था वह 2 प्रकार का बनता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो जांच प्रमाण पत्र की मांग की गई थी वह 2 प्रकार की थी। राज्य सरकार के साथ रोजगार के लिए, दोस्तों राज्य सरकार के साथ, एक राज्य सरकार की केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार की, 2 प्रकार की सर्टिफिकेट थी। दोस्तों, राज्य सरकार की मांग जो सर्टिफिकेट थी उसे नकारा गया, सरकार ने उसे मना कर दिया है। उसका कहना है कि केंद्र सरकार के लिए केवल यह मान्य है। याचिकाकर्ता के लिए सीखे गए वकील ने याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से धारावाहिक का उल्लेख है। उनकी जांच प्रमाण पत्र 45/11/63/00/31/07 के रूप में है। यह इंगित किया गया है कि 2/2/2016 को जारी राज्य सरकार के साथ रोजगार के लिए एक जांच प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उसी तिथि का एक और जांच प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के लिए भी जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि दोनों प्रमाण पत्रों का उत्पादन किया गया था, लेकिन वकील राज्य सरकार के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र पर ध्यान देने में विफल रहे हैं। प्रथम दृष्टया यह अदालत याचिकाकर्ता द्वारा उन्नत विवाद में पदार्थ को ढूंढती है कि उसने राज्य सरकार के साथ रोजगार के लिए जारी OBC प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों की बात की गई है, रोजगार के लिए दोनों एक ही तिथि पर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने केवल केंद्र सरकार के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र पर ध्यान दिया और राज्य सरकार के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र को छोड़ ही दिया है। ऊपर ध्यान दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में यह याचिका प्रतिवादी नंबर 2 इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्रस्तुत की तारीख में 2 महीने के भीतर ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर नए सिरे से विचार करने के लिए कहा है। यह कहे बिना जाता है कि यदि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार द्वारा राज्य के साथ रोजगार के लिए एक ही जांच प्रमाण पत्र जारी किया गया था और आवेदन पत्र के रूप में उसी पर भरोसा किया गया था और दस्तावेज सत्यापन के समय उसका उत्पादन किया गया था, तो उसे इसका लाभ दिया जाएगा। OBC की स्थिति आवश्यक विचार 2 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। अधिकारियों ने फिर से एक ही स्टैंड लेकर दावे को खारिज कर दिया है। और दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि आपको हम बताने वाले हैं छठवीं बड़ी खबर क्या है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिएगा बीच में। दोस्तों, छठी बड़ी खबर यह है कि इशू यह मुद्दा नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास एक वैध OBC प्रमाण पत्र है और उसी का उल्लेख उसके ऑनलाइन आवेदन पत्र में भी किया गया है। इस जांच प्रमाण पत्र की वास्तविकता संदेह में नहीं है। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता का OBC श्रेणी में इलाज किया गया था वह भी जारी नहीं है। एकमात्र आधार यह है कि दस्तावेज सत्यापन के समय याचिकाकर्ता ने इस प्रमाण पत्र का उत्पादन नहीं किया था, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा रोजगार देने के संबंध में प्रमाण पत्र का उत्पादन किया था। उत्तरदाता का यह रुख उस सरल कारण के लिए स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है जो एक बार याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने जांच प्रमाण पत्र संख्या का उल्लेख किया था और इस तरह का प्रमाण पत्र उपलब्ध न
न्यायालय के लिए यह स्वीकार करना कठिन होगा कि हालांकि इस तरह का प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता के कब्जे में था, वह उसी का उत्पादन नहीं करेगा। याचिकाकर्ता के ऑनलाइन आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र पर क्रम संख्या का उल्लेख है 45 11 63 00 31 07 के रूप में और इस तरह के एक प्रमाण पत्र को अनुबद्ध संख्या 4 के रूप में संलग्न किया गया है जो संदेह या विवादित नहीं है, केवल इसलिए कि दस्तावेज सत्यापन के समय याचिकाकर्ता ने एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र का उत्पादन किया था जो ओबीसी श्रेणी में याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने से इनकार करने का आधार नहीं होगा। अदालत अन्यथा याचिकाकर्ताओं के दावे पर बार बार विचार करती इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता के पास ओबीसी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। प्रमाण पत्र बनाने के लिए याचिकाकर्ता की आवश्यकता का उद्देश्य यह पता लगाना है कि वास्तव में प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता के पास मौजूद है या नहीं। एक बार जब मामला इस न्यायालय में लाया गया है और उत्तरदाता ओबीसी प्रमाण पत्र की शुद्धता पर विवाद नहीं कर रहे हैं तो यह आग्रह कि सही प्रमाण पत्र का उत्पादन नहीं किया गया था याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता। नतीजनत दिनांक 15/7/2019 के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसे समाप्त कर दिया जाता है। एडिशन रीट याचिका इसलिए सफल होती है और अनुमति दी जाती है कि उत्तरदाताओं को ओबीसी श्रेणी में रोजगार के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए एक निर्देश जारी किया जाता है और उनकी उम्मीदवारी को इस आधार पर अनदेखा नहीं किया जाएगा कि उनके पास ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर आवश्यक विचार किया जाएगा। आदेश दिनांक 30/9/2019। दोस्तों आज की बड़ी खबर यही थी। तो दोस्तों आपको पसंद आया होगा, जो ओबीसी है उनके लिए विशेष लाभ है कि वो अपना सर्टिफिकेट सही करवा लें। दोस्तों राज्य सरकार की सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र होती है उसे माना नहीं गया, उसे आपको केंद्र सरकार के द्वारा बनवा के देना होगा अगर आप याचिका तो रिट दायर किए तो ठीक है दोस्तों आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसमें विशेष लाभ ओबीसी को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता ही होगा भर्ती संबंधित सबसे बड़ी खबर इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल मिलती रहती है। तो ठीक है दोस्तों आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।